उसने जूट का बैग लिया और सड़क के किनारे सब्जी मंडी की ओर चल पड़ी। तभी पीछे से एक ऑटो वाले ने आवाज़ दी, कहाँ जाएंगे माताजी? महिला ने नहीं भैया कहा तो ऑटो वाला आगे निकल गया। अगले दिन महिला अपनी बिटिया मानवी को स्कूल बस में बैठाकर घर लौट रही थी। तभी पीछे से एक ऑटो वाले ने आवाज़ दी, बहन जी चंद्रनगर जाना है। क्या? महिला ने मना कर दिया। पास से गुजरते उस ऑटो वाले को देखकर महिला पहचान गई कि ये कल वाला ही ऑटो वाला था। आज महिला को अपनी सहेली के घर जाना था। वह सड़क किनारे खड़ी होकर ऑटो की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक ऑटो आकर रुका। कहाँ जाएंगे मैडम? महिला ने देखा ये वही ऑटो वाला है जो कई बार इधर से गुजरते हुए उससे पूछता रहता है चलने के लिए। महिला बोली, मधुबन कॉलोनी है ना सिविल लाइन्स में, वहीं जाना है, चलोगे? ऑटो वाला मुस्कुराते हुए बोला, चलेंगे क्यों नहीं मैडम, आ जाइए। ऑटो वाले के ये कहते ही महिला ऑटो में बैठ गई। ऑटो स्टार्ट होते ही महिला ने जिज्ञासावश उस ऑटो वाले से पूछ ही लिया, भैया एक बात बताइए, दो तीन दिन पहले आप मुझे माता जी कहकर चलने के लिए पूछ रहे थे, कल बहन जी और आज मैडम, ऐसा क्यों? ऑटो वाला थोड़ा झिझक कर शरमाते हुए बोला, जी सच बताऊँ, आप चाहे जो भी समझें पर किसी का भी पहनावा हमारे सोच पर असर डालता है। आप दो तीन दिन पहले साड़ी में थीं तो एकाएक मन में आदर के भाव जागे, क्योंकि मेरी माँ हमेशा साड़ी ही पहनती हैं, इसीलिए मुँह से स्वयं ही माता जी निकल गया। कल आप सलवार कुर्ते में थीं जो मेरी बहन भी पहनती है, इसीलिए आपके प्रति स्नेह का भाव मन में जागा और मैंने बहन जी कहकर आपको आवाज़ दे दी। आज आप जींस टॉप में हैं और इस लिबास में माँ या बहन के भाव तो नहीं जागते, इसीलिए मैंने आपको मैडम कहकर पुकारा। तो दोस्तों, उपरोक्त कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे परिधान न केवल हमारे विचारों पर वरन दूसरे के भावों को भी बहुत प्रभावित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।